Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to another vlog. Okay guys, so aaj ka vlog jo hai wo grocery related hai. As you guys know ke bahir jo hai wo halal food ki bahut kami hoti hai, so ye mere ghar se 20 minutes ki drive pe hai, to hum idhar aaye hain meat lene. Keema hame chahiye tha to क्या मैंने कहा चलें आपके साथ मैं ज़रा सा शेयर कर दूं. और एज यू गाइस कैन सी कि वो जो स्नो थी स्लीट थी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, इट्स जस्ट वाटर नाउ. और मैं आपको थोड़ा सा जो है वो व्यू दे देती हूँ, बस जहाँ जहाँ सनलाइट नहीं लगी वहाँ पर थोड़ी जो है वो अभी भी है, बगर एज यू कैन सी पानी पानी हो चुका है हर जगह. और वो रही मेरी कार, आई पार्क राइट देयर ताकि मैं यहाँ से बिल्कुल जो है वो क्लोज हूँ. तो चलिए फिर यहाँ से चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको. और ये रही मेरी लुक, आज मैंने ये पहना है, बट या लेट्स गो. यहाँ से हर जो ना पाकिस्तानी चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं, तो चलिए फिर चलते हैं. ओके ये देखिए कपड़े वगैरह सब कुछ होता है यहाँ. अच्छा जी, यहाँ से मैंने एक बार अपना जो था वो फ़ोन का कवर लिया था, बहुत अच्छे हैं ये, दे आर रियली गुड. ओके यहाँ जिस भी एरिया में कोई पास रहता है, दिस इज हेयर सलोन, दे आर रियली गुड. दे डू आई लैश extensions, they do threading, waxing, tinting, microblading, everything. Facial भी होता है यहाँ. Okay guys, तो ये रहा जो meat का section है, लेकिन हमें mutton चाहिए तो mutton इनसे order पे बनाना पड़ता है, so let's go. ओके गाइस, ये रही सारी की सारी कोर्ट, इट्स वेरी लाउड हियर. इसमें से पिक करनी है कि हमें कौन सी चाहिए, मीडियम साइज चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए, और उसका कीमा करवाएंगे हम. तो ये है इनका इंडोर, और इन्होंने बोला मैं खुद पिक करूँगी. ये तो पता नहीं कौन सा पड़ा हुआ यहाँ पर, बट दिस इज ऑल फ्रेश हियर. और वो कह रहे हैं इनमें से आप सेलेक्ट कर लें, देन उसकी कटिंग वगैरह और पीसेस ये बना देंगे हमें. तो या यही मैं कह रही थी, मीट वाले सेक्शन में आना है और मैंने लेना है, तो देखते हैं आप कौन सा पिक करते हैं. ओके गाइस, ये देखें हमने अपनी गोट जो है वो सेलेक्ट कर ली है, एंड इज डूइंग द कटिंग प्रोसेस नाउ. सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, यू कैन पिक व्हिच वन यू वांट एंड
then they go ahead and cut it for you or make mince or meat, whatever you want. So yeah, he's doing that right now. If I could show you guys a little better. गाइस तो मीट हमने ले लिया और यहाँ से चलते हैं. अब जो लेना था वो हमारा कंप्लीट हो गया. सो हेडेड होम नाउ. बट ये देखिए यहाँ सारा कुछ होता है. मसाले वगैरह भी पड़े हुए हैं. ये देखें नेशनल टूबा शान सब है यहाँ पे. सो यहाँ से सब कुछ मिल जाता है पाकिस्तानी जो कुछ भी चाहिए हो. और यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी होती है. तूबा के मसाले होते हैं, शान के, नेशनल के. और हमें जो भी चाहिए होता है तो आर्लिंगटन पास पड़ता है, हम ले लेते हैं. और जो आपने कल वाले मेरे व्लॉग में देखा वो इंडिया बाज़ार था, हमारे घर के बिल्कुल पास है, वहाँ से भी मिल जाता है. लेकिन जो प्लेसेस थोड़ी बड़ी होती हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी होती है चीज़ों की. बट या और ये जा रहे हैं मेरे प्यारे से नेफ्यू. बटिया ये रहा हमारा मेंस जो हम लोग ले चुके हैं. और ये अपनी चीज़ें डाल रहे हैं. ऑफ कोर्स इनको कोमो बहुत पसंद है. तो ये रहा ज़ियान. ये केचप्स वगैरह का सेक्शन है. बट हमने ग्रोसरी ऑलरेडी की हुई है और हमें सिर्फ जो है वो मेंस चाहिए था जो कि हम ले चुके हैं. बट दैट्स इट. ओके गाइस वापस आ चुके हैं हम. और ये हमारे बने हैं जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8. ये हमारे बने हैं जी मटन के पैकेट्स ट्रेस. और हमने बनवाए हैं जी ये देखें 4 यहाँ पर हैं और 4 यहाँ पर हैं. 8 हमने बनवाए हैं कीमे के पैकेट्स बिकॉज कीमा ज़्यादा जो है वो हमारे घर यूज़ होता है एंड कीमा इज़ ऑल्सो गुड. हम बीफ नहीं खाते तो हम मटन यूज़ करते हैं. बट इस तरह से ये आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग, ऐसे वो बिल्कुल आपको रैप करके देते हैं. सेम थिंग विद मटन. एक्चुअली हमें सिर्फ मटन का कीमा चाहिए था लेकिन यहाँ पर जो है वो रान लेके ना उसका कीमा करते हैं ये लोग. सो ऐसे नहीं देते. सो जो फिर जो बोनलेस वो मीट निकाल लेते हैं उसका कीमा बना देते हैं. जो बाकी मीट बचता है जिसमें से वो अच्छे तरीके से जो है वो नहीं निकाल सकते मीट, तो वो फिर कट करके आपको पीसेस बना के दे देते हैं. तो ये टोटल हमारे बने हैं जी आज के 16 पैकेट. 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाँ जी 16 बने हैं. 8 हमारे मटन के बने हैं और 8 ही मटन के कीमे के बने हैं. एंड मन का चलने आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ की रैपिंग कैसी होती है. पर ऐसे रैप हुए हुए होते हैं और हम ऐसे यूज करके जो है इसे फ्रीज कर देते हैं क्योंकि रोज रोज जाया नहीं जाता. पाकिस्तान तो है नहीं कि हम डेली जो है वो लेके आए. सो फिर हम इस तरीके से इसे जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं, एक ही बार ला के हम रख देते हैं. और ये हमने जो है वो ऑलमोस्ट पूरी नहीं, मोर देन हाफ घोट ली थी लेकिन बिल्कुल फुल नहीं थी ली. ओके गाइज तो हमारी आज की जो शॉपिंग थी वो हो चुकी है. जो हमें ग्रोसरी चाहिए थी मेनली मीट ही चाहिए था जो हमने ले लिया है. एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग होम. तो ठीक है फिर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.